हेलो इस वीडियो में हम देखेंगे इस वीडियो में हम दो वेरिएबल्स की वैल्यू को स्वैप करेंगे स्वैपिंग को करने के लिए दो मेथड्स हैं नंबर वन यूजिंग टेम्परेरी और थर्ड वेरिएबल नंबर टू विदाउट यूजिंग टेम्परेरी और थर्ड वेरिएबल इस प्रोग्राम में हम विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल स्वैपिंग को परफॉर्म करेंगे तो चलिए देखते हैं एक प्रोग्राम मेन फंक्शन को क्रिएट किया दो वेरिएबल ए और बी डिक्लेयर किए और इन्हें इनिशियलाइज किया ए में हमने फाइव स्टोर किया बी में नाइन स्टोर किया बिफोर स्वैपिंग नंबर्स को प्रिंट किया फिर स्वैपिंग का लॉजिक लगाया इसमें हमने लिखा ए इज इक्वल टू ए प्लस बी बी इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए इज इक्वल टू ए माइनस बी इस लॉजिक को हम नंबर्स के साथ समझते हैं सबसे पहले हमने लिखा ए इज इक्वल टू ए प्लस बी चूंकि ए की वैल्यू फाइव और बी की वैल्यू नाइन है तो होने इक्वल टू फाइव प्लस वैल्यू होगी। और B की वैल्यू नाइन ही रहेगी फिर हमने लिखा बी इज इक्वल टू ए माइनस बी मींस बी इज इक्वल टू फोर्टीन माइनस नाइन दाइव सो बी की वैल्यू फाइव हो जाएगी फिर हमने लिखा ए इज इक्वल टू ए माइनस बी अब ए की वैल्यू फोर्टीन है और बी की वैल्यू फाइव हो चुकी है तो स्टेटमेंट होगा ए इज इक्वल टू फोर्टीन माइनस फाइव यानी एक की वैल्यू नाइन हो जाएगी तो इस तरह से हमने ए और बी की वैल्यूज को एक्सचेंज किया या स्वैप किया ए में नाइन और बी में फाइव आ गया अब हमने इन्हें प्रिंट करवाया प्रोग्राम को सेव किया कंपाइल किया रन किया आउटपुट में हम देख सकते हैं बिफोर स्वैपिंग ए की वैल्यू फाइव और बी की वैल्यू नाइन है आफ्टर स्वैपिंग ए की वैल्यू नाइन और बी की वैल्यू फाइव हो जाएगी तो इस तरह से हम स्वैपिंग को विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल परफॉर्म कर सकते हैं यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं कमेंट्स कर सकते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल देन गुड बाय